अभी जो आपने तस्वीरें देखी जिसमें ताली और थाली दोनों बजा रहे थे ये गांव के लोग हैं किसान हैं किसान परिवार से संबंधित लोग हैं इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है जैसा कि एक भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया था कि प्रधानमंत्री 11 बजे मन की बात करेंगे तो इस दौरान प्रधानमंत्री की मन की बात का विरोध स्वरूप सभी किसान परिवारों से संबंधित रखने वाले लोगों के साथ साथ तमाम लोगों से अपील की गई थी कि प्रधानमंत्री की मन की बात का विरोध जो है वो ताली और थाली बजा करके किया जाएगा तो इसी संदर्भ में गाँव बरोखा आ, के अंदर आप दे आपने देखा कि किस प्रकार से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो तमाम तरह के जो लोग हैं वो ताली और थाली बजा करके प्रधानमंत्री की मन की बात का विरोध करते हुए दिखाई दिए थे अब अगर बात करूं तो प्रत्येक गांव के अंदर ये लहर चली थी आ, किसान यूनियन का आह्वान था उस आह्वान के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का विरोध किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था क्योंकि जब कोरोना काल था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ताली और थाली बजाएं जिससे कि कोरोना के चलते ये आह्वान किया गया था लेकिन अब किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि के लिए कि वो जो ये तीन कानून जो बनाए हैं उनको वापस करने के लिए भगवान जो उनको सद्बुद्धि दे इसीलिए किसानों ने ये जो है ताली और थाली बजा करके प्रधानमंत्री के मन के बात का विरोध किया है इसके साथ ही आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली पे महिलाएं बैठ करके ताली और थाली बजा रही है और ये थाली थाली बजाती हुई जो भावदीन टोल प्लाजा है उस टोल प्लाजा पे जा रही है क्योंकि तीन दिनों का आह्वान था टोल मुक्त करने का तो उसी संदर्भ में आज तीसरे दिन ये महिलाएं मोदी की मन की बात का विरोध करते हुए लगातार जो है वो ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ करके ताली थाली बजा रही हैं और भावदीन टोल प्लाजा पर पहुँच रही हैं